अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां MR-10 स्थित टोल के पास एक बारदान गोदाम में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग में बारदान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। गोदाम मालिक ने शरारती तत्वों पर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक रात में पूरे गोदाम की बिजली बंद थी। शॉर्ट सर्किट जैसी घटना को लेकर भी उन्होंने इनकार किया है। फायर ब्रिगेड को रात करीब 1:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि भानगढ़ के समीप प्रमोद राय के बारदान गोदाम में आग लगी है। सूचना के बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। फायर ब्रिगेड के SP RS निगवाल भी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने यहां भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के SP ने जानकारी देते हुए बताया कि बारदान होने के कारण आग काफी भयावह हो गई थी, जिसमें करीब 2 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया। यहां सेट को JCB की मदद से तोड़ने के बाद अंदर पानी डाला गया। गोदाम मालिक प्रमोद के मुताबिक गोदाम पर दिन में ही काम चलता है, रात को पूरे गोदाम की बिजली बंद रहती है। उन्हें घटना को लेकर नशा करने वाले शरारती तत्वों पर शंका है।